एक रिसर्च की गई कि सबसे ज्यादा जिस इंसेक्ट से या जिस जानवर से आप जो आपको पसंद नहीं है वो कौन सा जानवर है, ये लोगों से पूछा गया, विच एनिमल और इंसेक्ट स्केयर्स यू द मोस्ट और यू हेट द मोस्ट। तो 80% लोगों से 80% लोग जो थे उनकी तरफ से जवाब आया क्या, चूहे, रैट्स और माइस। यानी कि चूहे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। आपने कभी किसी चूहे, किसी इंसान को चूहे को किस करते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। या किसी को चूहे के साथ मॉर्निंग वॉक पे जाते देखा है आपने? नहीं देखा। बल्कि चूहा अगर घर में आ जाता है तो क्या होता है, हमारी नींद उड़ जाती है कि कपड़े ना काट ले, अलमारी में ना घुस जाए, जब तक कि वो बाहर नहीं चला जाता या ट्रैप में घुस नहीं जाता, जो माउस ट्रैप्स होते हैं, जब तक हमें नींद भी नहीं आती, सुकून भी नहीं होता। तो चूहे लोगों को पसंद नहीं है आमतौर पर। 80% लोगों ने कहा हमें चूहे पसंद नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि अगर 80% लोग कह रहे हैं कि उन्हें चूहे पसंद नहीं है, तो आज मिकी माउस दुनिया का फेमस कार्टून कैरेक्टर क्यों है? हुआ क्या, वॉल्ट डिज्नी ने उस चूहे की इमेज को लिया, जो बहुत ही नापसंद इमेज थी, लेकिन उसको इतने बेहतरीन अंदाज में लोगों के सामने पेश किया कि लोग मजबूर हो गए उससे मोहब्बत करने के लिए। और आप बस बच्चों से पूछिए, मिक्की इज माय फ्रेंड, मिक्की इज दिस, मिक्की इज दो दैट, आई वांट टू हैव फोटो विद मिक्की, दे आर जस्ट क्रेजी अबाउट मिक्की। लेकिन मिक्की है कौन? चूहा है एक, जो लोग पसंद नहीं करते। तो ये है प्रेजेंटेशन का इफेक्ट। यानी आप जो चीज पेश करते हैं लोगों के सामने, किस तरह से आप पेश कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो हम कम से कम मुसलमानों से इतनी उम्मीद कर सकते हैं कि जैसा इस्लाम है, कम से कम वैसा इस्लाम दूसरे लोगों तक पहुंचा दीजिए। इस्लाम की जो इमेज है, जैसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, कुरान और हदीस में जैसा इस्लाम महफूज है, उस पर अमल करके, उसकी तर्जुमानी करके आप लोगों के सामने रख दीजिए। तो यकीन मानिए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अगर ये चीज़ हो गई, इस्लाम से नफरत दूर हो गई गैर मुस्लिमों की, मुसलमानों से नफरत उनकी दूर हो गई, गलत फहमियाँ दूर हो गई, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो गया, तो हम एक बेहतर भारत की कामना ज़रूर कर सकते हैं इंशाल्लाह।